हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विच इज वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। आज बड़े दिनों बाद ना सुबह सुबह पराठे बनने वाले हैं। यूजुअली मेरे घर में सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ही इजी वाला मैं रखती हूँ, या फिर पोहा उपमा जो इजीली बन जाए वो। पराठे वगैरह उतना बनता नहीं है, आपको पता है। कल जो मटर का स्टफिंग तैयार किया था ना हमने, आज उसका ना मैं पराठे बनाने का सोच रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ बनाने का सोचा था, पहले सोचा था पूरी बनेगा, फिर सोचा था कचौड़ी बनेगा, लेकिन लास्ट में जो डिसीज़न था वो फाइनलाइज पराठे में आके हो गया। संजी हैं जो आज घर से ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। समारा का स्कूल अभी है नहीं, उसके ऑलमोस्ट सारे टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी लास्ट का एक बाकी है। वेल फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में ना कल का जो भी पेंडिंग वाले काम थे ना वो सभी हम लोग आज करने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली आप पूरा दिन का प्लान करते हैं और अचानक से कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो उसकी वजह से ना आपका जो शेड्यूल काम है और पूरा दिन का प्लान है ना वो बिगड़ सा जाता है। हालांकि आज भी मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको मेरा आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, आई जस्ट लॉस्ट माई वॉइस। लेकिन काम है भाई, करना तो पड़ेगा ही, तो दवाई खा के ना आज का सारा काम मैं निपटाने का कोशिश करूँगी। मटर की सब्जी, मटर की कचौड़ी, मटर की पूड़ी मेरा और मेरे घर में सभी का फेवरेट है। सर्दियाँ जाने ही वाली हैं तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट की तरफ ना थोड़ा ज़्यादा मटर खरीद के मटर की जितनी सारी भी रेसिपीज़ है ना वो मैं बना डालूँ। वैसे यहाँ पर मटर 50 रुपये किलो है, आपके वहाँ पर कितना मिल रहा है कमेंट करके बताना। ले ली पूरे, फिर उठा मैं, फिर मैंने दूसरा वाला पत्ता वाला लिया, फिर देख रहा हूँ उसमें घुस रही है। मैं बोला एक दिया तो। यहाँ पर अभी ऐसा मौसम चल रहा है ना कि चादर लो तो गर्मी लगे, चादर हटाओ तो सर्दी। संजू मुझे ना कल रात का उनका और समायरा का चादर को लेके खींचा तानी वाला स्टोरी सुना रहे थे। वेल संजू यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, अभी मैं और समायरा ना जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आज वैसे लंच बनाने का ना उतना टेंशन है नहीं, कल का काफ़ी सारा चिकन बच चुका है, बस मुझे थोड़ा सा ना दाल और राइस ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए घर का काम ना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ये जो झाड़ू दिख रहा है आपको, ये मैं कैंटीन से लेकर आई हूँ, क्योंकि पहला वाला जो झाड़ू था जिससे मैं बिस्तर साफ़ किया करती थी वो थोड़ा सा ना ख़राब सा हो गया था। वैसे बहुत जन मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी बिस्तर पे ना झाड़ू नहीं लगाते हैं। वेल फ्रेंड्स, झाड़ू लगा सकते हैं अगर आप सिर्फ वो झाड़ू बिस्तर के लिए रख रहे हैं तो, दूसरी जगह यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा ही हालत हो रहा है मेरे पुराने झाड़ू का, नहीं तो मैं इसको अभी भी स्टिल यूज़ करते रहती। बहुत दिनों से ना एक बहुत ही प्यारे रेड कलर के नेल पॉलिश की मुझे तलाश थी, वो तलाश ख़त्म हुई मेरी कैंटीन जाके। बहुत ही प्यारा एक रेड कलर मुझे दिखा और बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी कि नेल पेंट चेंज करना है। तो फाइनली आज मैंने ना काम स्टार्ट करने से पहले अपना नेल पेंट चेंज कर ही लिया। जब मैं कॉलेज गोइंग थी ना तब मुझे रेड कलर के नेल पॉलिश उतने पसंद नहीं थे, लेकिन शादी के बाद ये रेड कलर का जो नेल पॉलिश है, बिंदी है, लिपस्टिक है, इनका यूज़ ना ज़्यादा होने लगा। और इसको पहनने के बाद ही मुझे पता चला क्यों सुहागन लोग का कलर बोला जाता है ये रेड कलर। सो देखिए ये है वो पेंडिंग काम जिसको मैं परसों से करने का कोशिश कर रही हूँ।
तो इसी विंडो का बात मैं कर रही थी कि इसको मुझे साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ से सीलन से ना डस्ट वगैरह कंटिन्यूसली यहाँ गिरते रहते हैं, या रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, रेगुलर। वैसे इस डाइनिंग टेबल का हम लोग उतना यूज़ करते नहीं हैं, टीवी जिस रूम में रखा है ना वहीं पर हम लोग खाना वगैरह ज़्यादा खाते हैं, एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह में ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग की ना रेगुलर ज़रूरत पड़ती रहती है। वो क्या होता है ना फ्रेंड्स, चीज़ें डिसऑर्गेनाइज तब हो जाती है ना जब हम किसी जगह को ना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सो देखिए इतना डस्ट यहाँ गिरा है और बाकी के सारे नीचे गिरे हैं। बहुत जन सोच रहे होंगे कि विजया दी अभी आपने नेल पेंट लगाया था और अभी आपने काम शुरू किया, तो इसके लिए भी ना एक हैक मैं पर्सनली यूज़ किया करती हूँ। नेल पॉलिश लगाने के तुरंत बाद ना मैं बर्तन धो दिया करती हूँ या कोई भी पानी वाला काम करती हूँ, इसकी वजह से नेल पेंट ना जल्दी सूख जाते हैं। तो देखिए कैंटीन से मैं एक नया झाड़ू भी लेकर आई हूँ जिससे घर साफ़ नहीं और ज़्यादा गंदा होते जा रहा है। सो आज इतना तबीयत साथ दे नहीं रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ना टेबल का ऑर्गेनाइजेशन मैंने छोड़ दिया है। तो जो दाल बनाने का मैंने सोचा था ना, जल्दी नहा धो के मैंने वो सब कर लिया, और ये है आज हमारा लंच। ये जो चिकन है ये कल का है, बताने में कोई शर्म नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में हम बचा हुआ खाना उसके बाद वाले दिन भी कंज्यूम करते हैं, ये खाने की बर्बादी से हमें एक्चुअली बचाता है, अच्छी बात है ना। तो देखिए मेरे टमाटर वाले प्लांट में यहाँ टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस, बस बंदर को ना दिखे ये। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है ना, घर के अंदर वैसे उतनी गर्मी लग नहीं रही है लेकिन छत पे कपड़े इतने जल्दी सूख जा रहे हैं ना क्या बताऊँ, एक घंटे के अंदर अंदर आपके जो भी हल्के कपड़े हैं ना वो सूख के एकदम पूरे पापड़ बन जाते हैं। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि रात को ही मैं कपड़े धो दिया करूँगी और सुबह धूप उठने के पहले पहले ना जाके उसको डाल दिया करूँगी, और जैसे ही बहुत कड़क धूप आएगी उसके पहले पहले मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे और मैं उसको तुरंत नीचे भी लेकर आऊँगी। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप छत पर आके ना आपको सनबर्न तो ज़रूर होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए अब जाके आज वाले दिन के लिए जो लास्ट मैंने काम रखा था उसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, शाम का वक्त है, चाय पी लिया है, उसके बाद का वक्त है ये। तो सारा जो भी पैंट्री और ग्रॉसरी वाला आइटम था ना वो जस्ट मैं निकाल के बैठ गई हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं ये पैंट्री रखूँगी ना आज उस जगह को भी ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं घर चली गई थी और ये सब काम हुआ नहीं था। तो कैंटीन से देखिए मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, एक मंथ का मैं सामान उठा के लेकर आती हूँ। कैंटीन है, कम प्राइस में सामान मिलता है, तो मैं हमेशा से ना ओवर बाइंग से यहाँ बचती हूँ। बीच में जब भी ज़रूरत पड़ता है सामान का तो मैं लिस्ट या तो फिर संजू को बता देती हूँ या फिर मैं खुद ही चले जाया करती हूँ, यहाँ बहुत सारे कैंटीन हैं तो ये एक बात बहुत अच्छी है यहाँ की। जितने भी प्रोडक्ट ना प्रीवियस मंथ के हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको आगे की तरफ रखूँ सो दैट वो पहले ही यूज़ हो जाए, और जो भी नए सामान है वो पीछे की तरफ रखती हूँ कि पुराना प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद ही मैं नया प्रोडक्ट यूज़ करूँ। एज़ यू कैन सी मैंने कोई भी फैंसी ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, जस्ट जूते के नए नए बॉक्सेस है जिसको मैंने रीयूज़ किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर इस कवर के साथ आपको पसंद नहीं है तो आप कोई अच्छा कलरिंग कवर इस पे चढ़ा सकते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र ना बाज़ार से लाया हुआ ऑर्गेनाइज़र से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें भी ना दो अच्छी बातें हो जाएंगी, एक तो आपके पैसों की बचत हो जाएगी एंड इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अलग। वेल फ्रेंड्स, हमारे सबके पैंट्री में ना कुछ ऐसे सामान भी होते हैं ना जो अनयूज्ड होते हैं, मैं घर चली गई थी नहीं तो ये सारे प्रोडक्ट भी ना यूज़ हो जाते, तो इस मंथ के लिए तो मुझे ये सब सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। रिफाइंड ऑयल का यूज़ मैंने बहुत ही कम कर दिया है, इसलिए सिर्फ 3 पैकेट ही लाई हूँ, नहीं तो 5-5 पैकेट आते थे पहले। यहाँ एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर के रोल भी मैं रख ले रही हूँ, मैं किचन में यूज़ करती हूँ अक्सर यही, और मसालों के लिए भी ना मैं यहाँ पर ही एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बनाया है, इसी में ही मसाले, एक्स्ट्रा चाय, एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना पैंट्री के वो सब मैं इसी में स्टोर करती हूँ।
से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। ऊपर वाला जो भी सेक्शन है ना फ्रेंड्स, वहाँ डेली यूज़ वाले सामान ही मैं रखती हूँ। यूजली ब्रेकफास्ट में काम आने वाली चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ, और नीचे की तरफ ना मंथ के बीच बीच में काम आने वाली चीज़ें ही मैं रखती हूँ। और मेरे किचन के इस छोटे वाले सेक्शन में मैं किचन को साफ़ करने वाली चीज़ें ही रखती हूँ, और यूजली जो भी यूज़ एंड थ्रो वाले डब्बे हैं या टिफ़िन वगैरह है वो यही रखती हूँ। तो इसको भी ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने, और अभी सारे जो सामान है क्लीनिंग वाले वो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख ले रही हूँ। समारा एक पल भी मेरे बिना कहीं पर भी नहीं रहती है। देखिए मैं किचन में काम करने आई हूँ, लेकिन वो यहाँ पर ही बैठ के अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर रही है। तो देखिए तबीयत ख़राब होने का ना अच्छा एक बहाना मिल गया कि डिनर भी मुझे नहीं बनाना पड़ रहा है। दोपहर का बचा हुआ जो दाल था उसी में ना स्क्रम्बल एग करके मैं उसमें मिक्स करने वाली हूँ। बेसिकली ये वाला जो रेसिपी है ना, ये अनिल कपूर जी के किसी एक वायरल वीडियो में मैंने देख लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी को ही ट्राई करें। लेकिन इसको बनाने का तरीका मैंने थोड़ा सा अलग सा किया है। तो एग है उसका जो स्क्रम्बल है वो मैं अलग एक पैन में बना ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ना स्मिथन जोन्स का मैंने मसाला ऐड किया है, और इसको बाद में इस दाल में मिक्स कर देना है। अगर अनिल कपूर जी के अंदाज में इस दाल का डिस्क्राइब करूं तो एक ही वर्ड सुटेबल लगता है, वो है झकास। गरम गरम रोटी के साथ ये वाला जो रेसिपी था ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी ट्राई करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।